हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब्स ने 15 किलो टन टीएनटी के बराबर धमाका किया था। इस ब्लास्ट ने जितनी रेडियो एक्टिव गैसेस एटमॉस्फेयर में फैलाई थीं, उससे 400 टाइम्स ज्यादा गैसेस एक ऐसे हादसे की वजह से रिलीज हुई थीं जहां आज ये बहुत बड़ा डोम देखा जा सकता है। 354 फीट ऊंचा और 840 फीट चौड़ा ये डोम इतिहास के उस हादसे के ऊपर पर्दा डाले हुए है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन को भी बौखलाहट में डाल दिया था। ये धमाका चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के नाम से जाना जाता है, जहां एक छोटी सी गलती की वजह से हैरतअंगेज तौर पे 225 टन टीएनटी के बराबर धमाका हुआ। ZMTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के कैपिटल कीव से 100 किलोमीटर दूर प्रीपियट सिटी में बनाया गया था, जो आज पूरी तरह से बंजर पड़ी हुई है। उस वक्त यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कोल्ड वॉर का दौर था और सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कई सारे पावर प्लांट्स बनाना शुरू कर दिए थे, जिनमें से एक चेर्नोबिल भी था। ये पावर प्लांट 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर मुश्तमिल था, जिनको 1, 2, 3 और 4 के नाम दिए गए थे। ये 4 नंबर वाला सबसे आखिर में बनाया गया था, जिसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा डोम मौजूद है। ये चारों रिएक्टर्स 1,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखते थे, जो उस वक्त पूरे सोवियत यूनियन की आधी पॉपुलेशन की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरा करते थे। आसान लफ्जों में अगर इन रिएक्टर्स की वर्किंग समझी जाए तो इनमें न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए पानी को गर्म किया जाता था। ये पानी स्टीम बनकर टरबाइन को चलाता था और टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती थी। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन एक चेन रिएक्शन होता है, यानी ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हर रिएक्टर में 211 कंट्रोल रॉड्स डाली जाती थी। ये कंट्रोल रॉड्स एक ऐसे मटेरियल से बनी होती हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स ही हैं जो यूरेनियम के एटम से मिलकर न्यूक्लियर रिएक्शन पैदा करता है। जब न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के बजाय कंट्रोल रॉड से जाकर चिपक जाएंगे तो जाहिर है न्यूक्लियर रिएक्शन भी अपने आप धीमा पड़ जाएगा। चेर्नोबिल के केस में ये कंट्रोल रॉड्स बोरॉन कार्बाइड की बनी थी, जबकि इनकी टिप ग्रेफाइट की थी। याद रहे कि ये प्रोसेस 24/7 चलता रहता था, जिसकी वजह से रिएक्टर के अंदर 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता था। ये सूरज के सरफेस के टेम्परेचर का करीब 30% टेम्परेचर बनता है और इसी वजह से रिएक्टर को ठंडा रखना भी बहुत ज़रूरी था। इस काम के लिए रिएक्टर के अंदर पानी की लाइंस को चलाया जाता था। ये पानी पंप्स की मदद से रिएक्टर में हर वक्त घूमता रहता था, ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चेर्नोबिल के रिएक्टर्स में एक बहुत बड़ा डिज़ाइन फ्लॉ था, जिसका अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं था। गाड़ी के केस में तो पानी की रोटेशन तब बंद हो जाती है जैसे ही इंजन ऑफ होता है, पर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक भी सेकंड के लिए पानी की रोटेशन बंद नहीं होनी चाहिए, फिर बेशक न्यूक्लियर रिएक्शन बंद ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि रिएक्शन बंद होने के बाद भी काफ़ी देर तक वो हीट प्रोड्यूस करता रहता था, इसके लिए ज़रूरी था कि ये वाटर पंप्स बिना किसी रुकावट के हर वक्त चलते रहें। अब जाहिर है ये वाटर पंप्स चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी। ये इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली रिएक्टर के अपने ही टरबाइन से फराहम की जाती थी, जबकि पावर फेलियर की सूरत में इनके लिए खास बैकअप डीजल जनरेटर भी इंस्टॉल किए गए थे। पर मसला ये था कि डीजल जनरेटर पर शिफ्ट होने में वाटर पंप्स 60 सेकेंड्स तक बंद रहेंगे। इंजीनियर्स चाहते थे कि इन 60 सेकंड्स के दौरान भी ये पंप्स बंद ना हों, लिहाजा इसके लिए इनमें एक सेफ्टी सिस्टम लगाया गया था। सिस्टम ये था कि जैसे ही रिएक्टर बंद होगा वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना फौरन ख़त्म नहीं करेगा। 1000 मेगावाट से प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, तो इसी दौरान इस बची हुई इलेक्ट्रिसिटी से ही पंप्स को 60 सेकेंड्स तक चलाया जाएगा और 60 सेकंड्स के बाद वैसे ही बैकअप जनरेटर्स चल जाएंगे। ये सिस्टम तो इंस्टॉल कर दिया गया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग अभी बाकी थी, जो कि एक कंपलसरी प्रोसेस था।
और वो भी सिर्फ रिएक्टर 4 की टेस्टिंग। 1, 2 और 3 पर ये टेस्ट कामयाबी से किए जा चुके थे। ये 25 अप्रैल 1986 की शाम थी और रिएक्टर 4 पर इसी सेफ्टी टेस्ट को परफॉर्म करने की तैयारी चल रही थी। ये टेस्ट डेप्यूटी चीफ इंजीनियर एनाटोली डियाटलोव की निगरानी में किया जा रहा था। पिछली 2 बार रिएक्टर 4 पर यह टेस्ट कामयाब नहीं हो सका था। कहा जाता है कि डेप्यूटी चीफ इंजीनियर को कैसे भी करके आज की रात ये टेस्ट परफॉर्म करना था। रूल बुक के मुताबिक ये टेस्ट तब परफॉर्म किया जाएगा जब रिएक्टर 700 मेगावाट्स की पावर दे रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली तो ये 1000 मेगावाट देते थे। डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ने रिएक्टर को स्लो करने के लिए कंट्रोल रॉड्स डालने का ऑर्डर दिया, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन स्लो होना शुरू हो गया। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कंट्रोल रॉड्स शायद ज्यादा अंडर डल गई थीं। इसी वजह से रिएक्टर की पावर 1000 से सीधा 30 मेगावाट्स तक जा गिरी। रिएक्टर की पावर को वापस बढ़ाने के लिए कंट्रोल रॉड्स को थोड़ा बाहर निकाला गया, तब ये पावर 30 से बढ़कर 200 मेगावाट्स तक जा पहुंची। पावर को मजीद बढ़ाने के लिए थोड़ी और कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाला गया। अब टोटल 211 में से सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर मौजूद थी और ये रूल बुक की वायोलेशन थी। रूल बुक में लिखा था कि रिएक्टर के अंदर 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होनी चाहिए। इस वायोलेशन की वजह से हुआ यूं कि रिएक्शन तेजी से बढ़ा और पावर 200 से बढ़ती बढ़ती 1000 मेगावाट को भी क्रॉस करके कई हजार मेगावाट तक जा पहुंची। इतनी ज्यादा हीट की वजह से पाइप्स में पानी तेजी से एवेपोरेट होने लगा, जो कि असल में रिएक्टर के कोर को ठंडा करने का काम भी कर रहा था। इसी समय कंट्रोल रूम में फौरन एक खौफ की लहर दौड़ गई और पूरा रिएक्टर वाइब्रेट करना शुरू हो गया। इस चीज को कंट्रोल करने का एक ही सॉल्यूशन था कि इमरजेंसी शट ऑफ बटन को दबा दिया जाए, जिससे सारी कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर में जाकर न्यूक्लियर रिएक्शन को बंद कर देंगी। और इंजीनियर्स ने भी यही किया था। उन्होंने फौरन इमरजेंसी शटडाउन का बटन तो दबा दिया, लेकिन जैसे ही कंट्रोल रॉड्स अंदर गईं, रिएक्टर एक जोरदार धमाके से फट पड़ा। साइज्मोग्राम में इस धमाके की शिद्दत 225 टन टीएनटी ब्लास्ट के बराबर रिकॉर्ड की गई। कंपैरिजन के तौर पे आपको बताते चलें कि हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय ने जितनी खतरनाक गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज की थी, ये डिजास्टर उससे 400 टाइम्स ज्यादा गैसेस रिलीज कर चुका था। इस वक्त 26 अप्रैल 1986 रात के 1:26 हो रहे थे। यहाँ सवाल उठता है कि कंट्रोल रॉड्स तो रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए डाली गई थी, तो फिर इन्होंने रिएक्शन को बढ़ा क्यों दिया? असल में ये धमाका कंट्रोल रॉड्स की टिप पर लगे ग्रेफाइट की वजह से हुआ था। जैसा कि आपने शुरुआत में जाना, ये कंट्रोल रॉड्स बोरॉन कार्बाइड की बनी थी, लेकिन इनकी टिप ग्रेफाइट की थी। बोरॉन कार्बाइड तो न्यूक्लियर रिएक्शन को रोक सकता है, लेकिन ग्रेफाइट रिएक्शन को मजीद बढ़ा देता है। इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाने से पहले जो रिएक्शन पहले ही अपनी लिमिट से बाहर था, उसमें ग्रेफाइट की टिप जाते ही तेजी आई और रिएक्टर की वॉल्स का बर्दाश्त का लेवल खत्म हुआ और वो फट पड़ी। 2 इंजीनियर्स मौके पर ही मारे गए और 2 लोग बुरी तरह से जल गए। धमाके की वजह से प्लांट के रिएक्टर 4 में आग लग गई। पहले तो इसे आम आग ही समझा गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस धमाके की वजह से 5% रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में जा चुका है। फायर फाइटर्स मौके पर ही पहुंच गए। पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, मगर ये आग बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि ये आम आग नहीं बल्कि ग्रेफाइट की आग थी, जिसको बुझाना इतना आसान नहीं था। हादसे के फौरन बाद पूरे प्रीपियट शहर को रातों रात खाली करवा दिया गया, जिसमें उस वक्त करीब 50,000 लोग बसते थे। इमरजेंसी डिक्लेयर करके सोवियत यूनियन ने कई 100 बसेस का इंतजाम किया, जो इस शहर के लोगों को यहां से बहुत दूर स्लोविटिच सिटी में ले गईं। वहां चेर्नोबिल में अगले 10 दिनों तक ये आग बुझाने का काम चलता रहा। हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी 5,000 टन से ज्यादा रेत, मिट्टी और ऐसी चीजें फेंकी गईं जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है।
आखिरकार 10 दिन बाद जाकर ये आग बुझाई गई, लेकिन अगले कई दिनों तक मुसलसल रेडियो एक्टिव गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती रही। फायर फाइटर्स जो आग बुझा रहे थे वो रेडियो एक्टिव गैसेस की वजह से बीमार हो गए और कुछ लोग आने वाले दिनों और कुछ आने वाले महीनों में चल बसे। पहले तो सोवियत यूनियन इस वाकये की खबर को दबाना चाहता था क्योंकि कोल्ड वॉर का दौर था और ये खबर सोवियत यूनियन का इम्प्रेशन बुरी तरह खराब कर सकती थी, लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुप ना सका। धमाके के 36 घंटों के बाद 28 अप्रैल को स्वीडिश रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन ने देखा कि हवा में रेडिएशन का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है और ये रेडिएशंस यूक्रेन की तरफ से आ रही हैं। इसी वजह से आखिरकार सोवियत हुकूमत को मामला दुनिया के सामने रखना ही पड़ा। चेर्नोबिल के रिएक्टर 4 में लगी आग बुझाने के बाद भी खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं था। रिएक्टर के नीचे पानी का एक पूल था जिसमें बहुत बड़ी मिकदार में रेडियो एक्टिव मटेरियल जा चुका था। अगर वक्त पर इसको खाली ना किया गया तो इस पानी की स्टीम हवा में मजीद रेडियो एक्टिव गैसेस फैला देगी। इसको खाली करने का एक ही तरीका था कि इसके अंदर कोई कूद कर जाए और पूल के बॉटम पर इसका ड्रेन वॉल्व खोल दे, पर इस रेडियो एक्टिव पानी में जाने का मतलब सीधा सीधा अपनी जान दांव पर लगाने जैसा ही था और ये काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। यहाँ पर सामने आए 3 हीरोज, बल्कि सुपर हीरोज, मैकेनिकल इंजीनियर अलेक्सी एनानेंको, सीनियर इंजीनियर वेलेरी बेस्पालोव और शिफ्ट सुपरवाइजर बोरिस बेरोनोव। इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों को बचाने का फैसला किया। ये तीनों डाइवर्स उस पूल में उतरे और अंधेरे में स्विम करते हुए उसके ड्रेन्स को खोला और पानी को खाली करके रिएक्शन रोक दिया। इनके इस मिशन को कई लोगों ने सुइसाइड मिशन कहा था, लेकिन खुशकिस्मती से ये तीनों सही सलामत बाहर निकल आए। मगर अभी तक बहुत नुकसान हो चुका था। धमाके के नतीजे में आयोडीन 131 और दीगर खतरनाक केमिकल्स हवा में फैल चुके थे, जिसकी वजह से हजारों लोगों को थायराइड कैंसर हो गया और कई हजार लोग इसकी वजह से मारे गए। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जिनका ताल्लुक फायर फाइटिंग टीम से था और जिन्होंने बाद में चेर्नोबिल में ऑपरेशन क्लीनअप में हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ इन केमिकल्स ने पूरे यूरोप में बड़ी तबाही मचाई। जिन जंगलात में ये रेडियो एक्टिव वेस्ट गिरा वो ग्रीन से रेड हो गए। बारिश के साथ ये केमिकल्स जहां जहां गिरे वहां की घास में भी ये वेस्ट फैल गया और वो घास जिन जानवरों ने खाया उनको भी काफी नुकसान हुआ। इस हादसे के पहले 4 महीनों में सिर्फ 31 लोग मारे गए, लेकिन इसकी वजह से जो रेडिएशंस हवा में गईं उसने आने वाले चंद सालों में तकरीबन 4,000 लोगों की जान ले ली। ये तो वो फिगर है जो सिर्फ एक एस्टीमेट है, असल में इसकी वजह से कितनी अमवात हुई होंगी इसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। आज चेर्नोबिल डिजास्टर की साइट पर आम पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि आज 38 ईयर्स के बाद भी कुछ न कुछ रेडिएशंस वहां से निकल ही रही हैं और ये अगले 400 सालों तक नुकसान पहुंचाती रहेंगी। ये रेडिएशंस हवा में ना फैलें इसी वजह से हुकूमत ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डोम इंस्टॉल किया है जिसको बनाने में करीब 3 अरब US डॉलर्स का खर्चा आया था और ये अगले 100 सालों तक चेर्नोबिल डिजास्टर की रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में फैलने से रोके रखेगा। उम्मीद है ZEM TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।